हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 के पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ ये 2 है, 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 2 आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 2 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। इससे पहले हम लोग संविधान था उसका ऐतिहासिक आधार देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो ऐतिहासिक आधार के उस संबंध में जो भी नई नई संशोधन किए गए हैं उसके बारे में देखा था, और भी देखा था हमने कि कौन सा कानून बनाया गया था, संविधान की प्रस्तावना में क्या उद्देशिका थी, क्या सारा पॉइंट 1 में देख चुके हैं। और इसको हम लोग, मैंने PDF के तौर पे जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 डाल दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो जाए। ये पॉइंट नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 है, इसके केवल 2 ही पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे पॉइंट नंबर 2 कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 की हम लोग इसमें बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं, एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ, जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा मौका पहली बार मिलता है कि GS पेपर नंबर 2, 1, 2, 3, 4 चारों के लिए हम लोग हिंदी में लेकर आए हैं पूरा सिलेबस, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिया, हमने जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसी के ऊपर हम लोग करेंगे, और एक बार ये पूरा ख़त्म होने के बाद आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, मतलब कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले इसमें मैंने इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि हम लोग उसमें पढ़ेंगे कैसे। इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो मैंने देखा, बताया है आपको केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं। तो 3 टाइप के संबंध होते हैं जो हम इसमें आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब उसमें स्पेशली फोकस किया गया है वित्तीय संबंधों के बारे में। तो हम जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं केंद्र राज्य में, उसके बारे में मेन फोकस करेंगे इसमें कि वो संबंध होते क्या हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमने बात की है वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग क्या है, कब बना, कैसे बना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इसमें वित्त आयोग की बात करेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को इंटर रिलेट करेंगे कि केंद्र राज्य वित्त संबंध है उसमें वित्त आयोग क्या भूमिका निर्वाह करता है, या 14वां अभी वित्त आयोग बना है तो उसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट सिनेरियो से ही टच होके आता है, अटैच होता है कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में वित्त आयोग की केंद्र राज्य वित्त संबंधों में भूमिका की चर्चा कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएगा, और बाकी जो मेन मेन बेसिक चीज़ें हैं कि वित्त आयोग क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, या केंद्र राज्य वित्त संबंध क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि इससे बाहर कुछ भी पूछ लिया जाए हमें लिखना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। और हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन आंसर राइटिंग आनी चाहिए कि कुछ भी पूछ लिया जाए हमें इंटरलेट करके हमें एक आंसर लिखना आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ये एक पूरी एक लाइन थी, इसको 4 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया, और उसके बाद इसको आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करती हूँ, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, जो भाग 1 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि हमारे 29 जो स्टेट हैं पूरे और यूनियन टेरिटरी जो है वो सब मिला के भारत बनता है, एक संघ बनता है। भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया है। यहाँ न्यायपालिका अलग है, इसलिए न्यायपालिका का यहाँ मैंने नाम नहीं लिया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र राज्य के बीच में, मतलब जो भी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ ही नहीं, सारी शक्तियाँ, विधायिकों की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सबको बराबर भागों में विभाजित किया गया है। और न्यायपालिका जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट और सबसे सुपर पावर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय यहाँ पर आता है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है, मतलब ये बताता है कि विधायी संबंध 245 से 255 के बीच, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग, अभी आप इतना देख लीजिए।
संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान भी तय किए गए हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे समन्वय होना चाहिए, कैसे सहयोग होना चाहिए, किस हिसाब से दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध है दोनों में। चलिए, केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात की जाए तो इसे नॉर्मल आप फ्लो चार्ट में डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में, जैसे इस टाइप से, या कोई भी फ्लो चार्ट आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी बनाएंगे आप, जैसे मैंने बनाया वैसे भी बना सकते हैं। तो तीन संबंध होते हैं, एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध और थर्ड होता है वित्तीय संबंध। तो हमें मेनली जो चर्चा करनी है वो वित्तीय संबंध, क्योंकि हमारा टॉपिक है वित्तीय संबंध पे। विधायी संबंध बस आप एक बार देख लीजिए कि अनुच्छेद 245 से 255 तक आपको विधायी संबंध के बारे में बताना है और प्रशासनिक संबंध के बारे में 256 से 263 तक बताना है। अब इसके बाद जब वित्तीय संबंध की हम बात करेंगे तो 268 से 293 तक के अनुच्छेद जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में हमें यही पढ़ना है, ऊपर के दोनों नहीं पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय संबंध जो अनुच्छेद 268 से 293 तक दिया हुआ है, ये संविधान के 12वें भाग में दिया हुआ है, जिसमें 268 से 293 अनुच्छेद राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को बताता है कि उन दोनों के बीच वित्तीय संबंध कैसे होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, राजस्व शक्तियों का आवंटन किया गया है। तो कैसे किया गया है, जैसे आप लोगों को पता है संविधान के भाग 7 में दिया हुआ है, संघ के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर लगाने की शक्ति है। तो ये भाग 12 में बताया गया है। तो आपको ऐसे पता है कि संसद के पास जो होती है वो संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उस पर कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की शक्ति होती है। ऐसे ही संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। और संसद के पास अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं उनमें संसद के पास कर लगाने की अन्य शक्ति होती है। तो चारों जो सूचियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया, उसमें जितने भी विषय होते हैं उस पर कर लगाने की शक्ति उससे संबंधित संसद के पास होती है या राज्य सरकार के पास होती है। चलिए आगे बात करते हैं, वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 268 से 293 तक क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ एक एक अनुच्छेद मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि आप एग्जाम्पल जब भी दोगे इसके वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा करनी होगी तो जितने भी आपको दो चार अनुच्छेद याद होंगे उसके बारे में अगर एग्जाम्पल बताओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अनुच्छेद 268 ये बताता है कि कर जो है वो संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। जो भी कर लगाए जाते हैं वो केंद्र और संघ लगाएगा लेकिन वो कर राज्य उन्हें एकत्रित करेगा। सेवा जो कर है वो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ये 268A बात करता है, करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है, ये 269 में कहा गया है। तो ये विभिन्न टाइप के कर हैं कि एक पर्टिकुलर ये कर है जो संघ द्वारा लगाया भी जाएगा, एकत्रित भी किया जाएगा बट राज्यों को दे दिया जाएगा, वो उन कर के बारे में 269 में बताया गया है। ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं लेकिन राज्य और संघों के बीच वितरित किया, दोनों के बीच बराबर बांट दिया जाता है, तो ये अनुच्छेद 270 बात करता है। संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ खास शुल्कों और करों का अधिभार लगाया जाता है जो कि अनुच्छेद 271 में बताया गया है। आगे अनुच्छेद 275 के तहत संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत रहता है। प्रदान कर सकते हैं अनुदान की सहायता, जरूरत निर्धारित कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशियां तय की जाती हैं। इसका मतलब सिंपल मैं आपको सिंपली वर्ड में समझा देती हूँ कि संसद जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य में अगर सहायता की ज़रूरत होती है, अनुदान की ज़रूरत होती है तो भिन्न भिन्न राशियाँ वो आवंटित कर सकता है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 282 के अंदर बात करते हैं, संघ या किसी राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं
बावजूद इसके भी जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया गया है वो उसका उद्देश्य है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 282 के तहत संघ या किसी राज्य कोई भी एक को सार्वजनिक उद्देश्य है तो दोनों का कॉमन है तो उसके लिए कोई भी राशि का अनुदान किया जा सकता है जिसमें संसद और राज्य विधायिका नियमों का विनिर्माण कर रही हो। नेक्स्ट 352 अनुच्छेद के तहत यहाँ आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल की कार्रवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। मतलब कि अगर एक डिसाइड हुआ है कि इतना परसेंट केंद्र को दिया जाएगा इतना परसेंट राज्य को दिया जाएगा बट अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है 352 के तहत तो राष्ट्रपति इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है जितना निश्चित है उतना ही दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय मतलब कि यही आपका करंट फाइनेंशियल जो आपातकाल लगाया जाता है उसके रिलेटेड है। स्थिति में ऑपरेशन के दौरान मतलब जब आपातकाल लगाया जाता है उसके दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी यही है कि वित्तीय आपातकाल जब लगाया जा सकता है तो मान लीजिए किसी राज्य को विशेष अनुदान देने की घोषणा पहले से की हुई है और अगर राज्य में वित्तीय आपातकाल लग चुका है तो अब क्या होगा कि उस राज्य में ये राष्ट्रपति या फिर जो संघ है वो पूरा ये मना कर सकता है कि अब इस राज्य में वो दिया नहीं जाएगा अब अनुदान क्योंकि आपातकाल इस समय वित्तीय लगा हुआ है सरकार पे बहुत ज़्यादा इस समय खुद ही खर्चा हो रहा है तो वो और खर्चा किसी और राज्य को नहीं दे सकता है। तो 360 के अंदर ये कहा गया है। तो आज हमने ये पूरा डिटेल में बात कर दी कि संबंध कैसे होते हैं केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है उसके कार्य क्या होते हैं उद्देश्य क्या होते हैं प्लस उसके केंद्र राज्य संबंध में केंद्र राज्य जो संबंध होता है उसमें वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। और पूरा समअप करने के बाद ये पूरा लेक्चर यहाँ सेकंड पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और फर्स्ट पॉइंट जो ख़त्म हुआ है उसकी पीडीएफ मैंने सक्सेस मंच पेज जो फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अपलोड कर दी है। जिसको भी नहीं मिले प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं उनको शेयर कर सकूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों तक स्टडी मटेरियल को पहुँचाना। और नंबर 2 जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो इसका भी अभी जो सेकंड पार्ट आएगा उसके बाद में पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ मैं पहले ही रिक्वेस्ट करी हूँ अगर किसी को चाहिए और नहीं मिल रहा है पीडीएफ क्योंकि कई क्वेरीज आती हैं पहले आई थी अब तो नहीं आ रही हैं कि अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके अलग से बता दीजिए। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।